हर हर महादेव दोस्तों, भगवान शिव जी के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से चौथे स्थान पर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के बीच मंदाता द्वीप पर स्थित है। यहाँ पर नर्मदा नदी दो भागों में बंटकर मंदाता द्वीप का निर्माण करती है। यह द्वीप करीब 4 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा है। यह द्वीप ऊपर से ओम आकार का दिखाई पड़ता है, इसी वजह से इस जगह को ओमकारेश्वर के नाम से जाना जाता है। और इस मंदिर में ज्योतिर्लिंग वो वहाँ पर पंचमुखी रूप में स्थापित है और माना जाता है कि यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। मान्यता अनुसार इक्ष्वाकु वंश के राजा मंदाता ने यहाँ कठोर तपस्या की थी, तब भगवान शिव जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और यहाँ प्रकट हुए। तभी से यहाँ भगवान शिव जी ओमकारेश्वर के रूप में विराजमान है। ओमकारेश्वर शिवलिंग दो भागों में बटा हुआ है, सबसे पहला ओमकारेश्वर और दूसरा ममलेश्वर शिवलिंग है, लेकिन दोनों शिवलिंग को एक ही शिवलिंग के रूप में माना जाता है। अगर आप भी यहाँ पर आने की प्लानिंग कर रहे हैं और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो में आपको ओमकारेश्वर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और यूजफुल टिप्स मिलने वाली है, जैसे कि आप यहाँ पर कैसे आए, रुक रहे और खाने की क्या व्यवस्था रहेगी, होटल के क्या प्राइजेस रहेंगे, यहाँ पर घूमने फिरने की क्या क्या ऑप्शंस रहेंगे, बोटिंग के चार्जेस क्या रहेंगे, यहाँ पर आने के लिए कितने दिन का टूर प्लान करना चाहिए, टोटल बजट कितना आएगा यहाँ का, और मंदिर में आप ज्योतिर्लिंग के दर्शन कैसे कर सकते हैं, साथ ही यहाँ पे आपको और कौन से मंदिरों में दर्शन करने चाहिए, तो यह सारी इन्फॉर्मेशन आपको आज के इस वीडियो में मिलेगी। चलिए ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा शुरू करते हैं। ओमकारेश्वर तक आप बाय बस, बाय ट्रेन, बाय फ्लाइट आ सकते हैं। यहाँ पर बाय ट्रेन आने के लिए ओमकारेश्वर के नियरेस्ट रेलवे स्टेशन खंडवा और इंदौर है। खंडवा रेलवे स्टेशन से ओमकारेश्वर 75 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। खंडवा से आपको बस या टैक्सी आसानी से मिल जाती है। ओमकारेश्वर के लिए यहाँ से बस का किराया 100 से 150 तक का रहता है और प्राइवेट टैक्सी के चार्ज 1500 से 2000 तक हो सकते हैं। अगर आप उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद ओमकारेश्वर आते हैं तो उज्जैन बस स्टैंड से आपको 7 से 8 बजे के बीच में बस मिल जाती है। उज्जैन से ओमकारेश्वर 140 किलोमीटर की दूरी पर है और बस आपको 5 से 6 घंटे में रास्ते की ब्यूटीफुल व्यू दिखाते हुए ओमकारेश्वर बस स्टैंड तक ले आती है। वहीं इंदौर से आपको ओमकारेश्वर जाने के लिए बड़ी आसानी से बस मिल जाती है। इंदौर से ओमकारेश्वर 80 किलोमीटर के डिस्टेंस है और इंदौर से बस के चार्जेस 150 से 200 रुपए तक रहते हैं और प्राइवेट टैक्सी के चार्जेस तकरीबन 2500 से 3000 के बीच में रहेंगे। और अगर आप बाय फ्लाइट आने का ऑप्शन लेते हैं तो यहाँ से नियरेस्ट एयरपोर्ट इंदौर में है देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वहाँ से आप सेम वे में ओमकारेश्वर तक आ जाइए। ओमकारेश्वर बस स्टैंड से ओमकारेश्वर टेंपल 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। आप ऑटो में 20 रुपए किराया देकर ओमकारेश्वर तक आ सकते हैं। इनके अलावा अगर आप पर्सनल व्हीकल से आना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से यहाँ तक आ सकते हैं। और उज्जैन से ओमकारेश्वर रोड की कनेक्शन भी काफी अच्छी है। काफी लोग उज्जैन में एक दिन का ट्रिप प्लान करते हैं। उज्जैन और इंदौर से एक दिन के लिए बस मिल जाती है, जिसमें बस आपको सुबह लेकर जाती है और शाम को वापस छोड़ देती है। और अगर आप इन केस यहाँ पर रुकना चाहते हैं तो ओमकारेश्वर पहुँचने के बाद यहाँ पर स्टे करने के लिए आपको प्राइवेट होटल, गेस्ट हाउस, धर्मशाला मिल जाती है, जिनमें आप सस्ते में स्टे ले सकते हैं। यहाँ पर धर्मशाला के फेयर 300 से 500 हैं, गेस्ट हाउस के चार्जेस नॉन एसी रूम के 500 से 900 हैं और एसी रूम के 1000 से 2000 रुपए हैं। वहीं प्राइवेट होटल में अगर आप स्टे लेते हैं तो उसके चार्जेस 700 से 1000 तक देने होते हैं। इनमें से आप अपने बजट के अकॉर्डिंग अपना रूम ले सकते हैं। मैं होटल शिवनेरी में रुकी थी, जहाँ मुझे 2 डबल बेड का रूम 800 रुपए पर डे के हिसाब से मिल गया था। मंदिर में दर्शन करने के लिए आपको नर्मदा नदी को पार करके जाना होता है। नदी को पार करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं। फर्स्ट, आप बोट के थ्रू उस पार जा सकते हैं, जिसके लिए आपको शेयरिंग बोट का 50 रुपए चार्ज देना होता है। बोट आपको सिर्फ नदी पार करवाएगी और घाट के किनारे छोड़ देगी।
सेकंड ऑप्शन है आप यहाँ से होकर इस ब्रिज को क्रॉस करके मंदिर तक पहुँच जाएंगे। अब नर्मदा नदी के ब्रह्मपुरी घाट पर आप स्नान करके दर्शनों के लिए लाइन में लग जाइए। श्री ओमकारेश्वर मंदिर 5 मंजिला है। पहले में श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, दूसरे में माँ कालेश्वर, तीसरी मंजिल पर सिद्धनाथ महादेव, चौथी पर गुप्तेश्वर महादेव और पांचवी मंजिल पर राजेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। मंदिर में दर्शनों के लिए आने से पहले आप ओमकारेश्वर मार्केट में महादेव जी को चढ़ाने के लिए पूजन सामग्री भी लेकर आ सकते हैं, लेकिन शाम 4 बजे के बाद पूजा सामग्री जल, बेलपत्र, फूल, नारियल चढ़ाना मना है। तो आप इस बात का ख्याल रखें, 4 बजे के बाद आप दर्शनों के लिए आए तो पूजा सामग्री ना खरीदें। मंदिर में दर्शन करने का समय सुबह 5 बजे से रात के 9 बजे तक रहता है। अगर आप यहाँ पर पीक सीजन यानी श्रावण मास के दौरान आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे श्रद्धालुओं की काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिल सकती है और दर्शन करने के लिए आपको करीब 4 से 5 घंटे लाइन में लगकर इंतजार करना पड़ सकता है। ओमकारेश्वर यात्रा पे जो कोई भी आता है वह एक बार यहाँ पर बोटिंग जरूर करता है। ओमकारेश्वर के सभी घाटों से आपको बोट मिल जाती है। शेयरिंग बेस पे अगर आप बोटिंग करते हैं तो आपको 4 से 5 पॉइंट दिखाए जाते हैं, जिनमें कावेरी और नर्मदा संगम, ओमकारेश्वर मंदिर, ओमकारेश्वर डैम और ब्रह्मपुरी घाट शामिल है। और बोटिंग के लिए आपसे पर पर्सन 100 से 200 रुपए का चार्ज लिया जाता है, जिसमें आप ओमकार परिक्रमा भी कर पाएंगे। अगर आप पूरी बोट बुक करते हैं तो 2000 रुपए तक आपको देने होंगे। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप यहाँ पर जब भी आए तो बोटिंग का एक्सपीरियंस जरूर लें। बोट के थ्रू आपको बहुत ही सुंदर व्यू देखने को मिलेंगे। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग प्रकृति में विभाजित है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का आधा भाग ओमकारेश्वर में और दूसरा आधा भाग ममलेश्वर में स्थित है। संपूर्ण ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए आपको इन दोनों मंदिरों में जाना अनिवार्य है। माना जाता है कि अगर आप ओमकारेश्वर मंदिर में दर्शन कर लिए और श्री ममलेश्वर जी के दर्शन नहीं किए तो यह यात्रा आपकी अधूरी मानी जाएगी। इसलिए ओमकारेश्वर जी के दर्शन हो जाने के बाद आप ममलेश्वर मंदिर में आकर दर्शन करें, तभी यह यात्रा आपकी सफल मानी जाएगी। दर्शन हो जाने के बाद जब आप नीचे आएंगे तब आप पहुंच जाएंगे गोमुख घाट पर। यहाँ पर गोमुख से निरंतर रूप से पवित्र जलधारा बहती रहती है। आप गोमुख से पानी भरकर अपने घर के लिए भी ले जा सकते हैं। जब आप नाइट में ओमकारेश्वर ब्रिज पर आते हैं तो यहाँ से नाइट का व्यू बेहद ही खास दिखाई देता है। यहाँ पर आप ओमकारेश्वर का नाइट व्यू भी एंजॉय कर पाएंगे और आपको यहाँ पर बहुत ही शांति मिलेगी। ठंडी ठंडी हवाओं के साथ कुछ टाइम आप यहाँ पर बढ़िया से स्पेंड कर पाएंगे। अगर आप पैदल नर्मदा नदी परिक्रमा करना चाहते हैं तो आपको 7 से 8 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा और परिक्रमा तय करने में 1.5 से 2 घंटे का टाइम लग सकता है। इस परिक्रमा में आपको बहुत सारे मंदिरों के दर्शन होंगे, जिनमें से चलते चलते आपको विशाल शिव जी की प्रतिमा के दर्शन होंगे। यह प्रतिमा 90 फीट की है। गौरी सोमनाथ मंदिर के दर्शन होंगे। इस मंदिर में 62 फीट ऊंचा शिवलिंग स्थापित है। यहाँ पर हनुमान जी लेटकर विश्राम करने की मुद्रा में है। नर्मदा कावेरी संगम के भी दर्शन होंगे। यहाँ पर नर्मदा नदी कावेरी नदी के साथ मिल जाती है और आखिर में श्री सिद्धनाथ मंदिर के दर्शन होंगे। यह मंदिर भगवान शिव जी को समर्पित है। इन सभी मंदिरों में दर्शन कर आप परिक्रमा पूर्ण कर लेंगे और वापस से झूला पुल तक पहुँच जाएंगे। दोस्तों, बात करें ओमकारेश्वर में खाने पीने की तो यहाँ आपको कई सारे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, जहाँ आपको बहुत ही स्वादिष्ट थाली 100 से 150 रुपए में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, अंत में बात करते हैं टोटल बजट की। 2 दिन का ओमकारेश्वर में धर्मशाला का स्टे 1400 रुपए, 2 दिन का फूड का चार्ज 600 रुपए, शेयरिंग बोट का चार्ज 100 रुपए, तो टोटल आप 2000 रुपए में 2 दिन की ओमकारेश्वर यात्रा आराम से कर लेंगे। इसमें आप ओमकारेश्वर कैसे आ रहे हैं, अपने शहर से आ रहे हैं या उज्जैन से आ रहे हैं, उसका टिकट प्राइस ऐड कर लीजिएगा। दोस्तों, यह थी हमारी आज की ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन की यात्रा। मैं आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर आपके कोई भी डाउट या क्वेश्चन है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने अपने चैनल ऋषि द डू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आप सबसे जल्दी एक नई वीडियो के साथ। हर हर महादेव दोस्तों।